जुलिया नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप लोग, मैं आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हो और हमेशा अच्छे और खुश रहे, यही मैं दुआ करूँगा। तो पिछले वीडियो में आप सब लोगों का मतलब बहुत प्यार मिला था और बहुत सपोर्ट मिला था हमारे लद्दाख के शिक्षण के लिए, लद्दाख के सेफ के लिए। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग ने भी बोला था कि आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, तो आज मैं मतलब हिंदी में बोलने के थोड़ा मतलब कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा लद्दाख जो है अभी सेफ नहीं है, लद्दाख जो ख़तरे में है। तो सरकार ने मतलब जो जो वादे किए थे हमारे लद्दाख के लिए, वो अभी वादे पूरा नहीं कर रहे हैं, अपने वादों से मतलब सरकार मुखर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब हमें शिक्षा दे दिया गया तो सरकार का जो बड़ा बड़ा प्लान होगा वो मतलब पूरा कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सरकार मतलब हमें शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ताकि मतलब अगर हमें दे दिया गया तो उनका मतलब जो जो मतलब बड़ा प्लान होगा वो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए हमारे लद्दाख को बचाने के लिए, लद्दाख के लोगों को बचाने के लिए सुनाओ जो सर जी ने मतलब 21 दिन का अनशन रखा था, तो मतलब न्यूज़ चैनल वाले बिल्कुल भी नहीं आए थे न्यूज़ कवरअप करने के लिए। तो इसीलिए हमारे सुनाओ सर जी थोड़ा दुखी थे, और न्यूज़ चैनल वाले को तो मतलब ऊपर से बंद किया है मतलब पूरा। मैं आप लोगों को आज मतलब 21 दिन के अनशन का मतलब छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ और एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ अपने माँ का, जो मैंने रिसेंटली अपने माँ को कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि वो अनशन पे गए थे 2-3 दिन के लिए, और लास्ट में भी गए थे बोला उन्होंने। तो ज़्यादा वो जा नहीं पाए बोला, क्योंकि मेरे माँ को मतलब सिर में थोड़ा वो प्रॉब्लम था, तो इसलिए मतलब जा नहीं पाए बोला ज़्यादा दिन। तो माँ, तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि उधर क्या ये वो सब पूछा। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। मेरे माँ मतलब सुबह सुबह गए थे बोला, और मतलब वो सोनांशु सर जी को देखने के लिए मतलब जा रहे थे बोला। तो सोनांशु सर जी उस टाइम मतलब सो रहे थे बोला। तो माँ ने देखा कि सोनांशु जी के मतलब बिस्तर के ऊपर वो मतलब बर्फ़ जम गया बोला, कि मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद जैसा होता है ना वो बन गया है बोला। तो रात में काफ़ी ठंड था, तो इसलिए तो मैंने यह सोचा था कि बोला सोनांशु सर जी हमारे लद्दाख के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए इतना तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो मैंने यह सोचा बोला। तो उसके बाद माँ अपने वहाँ पर जो पीने का जगह था उधर गया बोला, और माला माला निकाल के ऐसे पूजा करके बैठा था बोला। तो उस दिन माँ ने कहा था कि ये उधर लगभग 3,000 के करीब लोग थे बोला अनशन पे बैठने वाला। तो मेरे माँ मतलब दूसरे टाइम अनशन पे गए थे, तभी मतलब दिन में बहुत कड़ा धूप था बोला। तो ज़्यादा धूप में बैठने की वजह से मेरे माँ को मतलब वो सिर में मतलब बहुत तेज दर्द हुआ बोला। तो माँ ने यह सोचा था बोला कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि माँ को मतलब सिर में बीमार था। तो इसलिए तभी सोनांशु सर जी मतलब बाहर जा रहे हैं बोला। तो उनको मतलब 2-3 आदमी ऐसे पकड़ के धीरे धीरे से लेके जा रहे थे बोला। तो माँ ने देखा तो सोनांशु सर जी मतलब पहले से बहुत मतलब कमज़ोर हो चुके हैं बोला, पहले जैसा मतलब नहीं रहा बोला, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है बोला। तो माँ को मतलब सोनांशु सर जी को देख के थोड़ा हिम्मत आया बोला। तो माँ ने यह सोचा था बोला कि सोनांशु सर जी लद्दाख के लिए इतना कर रहे हैं, हमारे लिए इतना कर रहे हैं, लद्दाख के लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं इतना कुछ नहीं कर सकता बोल के माँ को थोड़ा हिम्मत आया बोला। तो जैसे तैसे करके माँ ने मतलब सहन करके वो अनशन भी मतलब कंप्लीट किया बोला। और मेरे माँ मतलब लास्ट एंडिंग का जो अनशन था उसमें भी गए थे, और माँ ने कहा था कि जहाँ सोनांशु सर जी ज़्यादातर ऐसे लेट के बैठते हैं बोला, और जब लोग उनसे मिलने आते थे तभी ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे खड़ा होकर बैठते हैं बोला। तो हाँ दोस्तों, मतलब एनर्जी बहुत लो रहती है उस टाइम, इतने दिन से मतलब कुछ खाया नहीं पिया नहीं। तो लास्ट में मतलब हमारे मशहूर एक्टर साउथ के प्रकाश राज सर भी उधर आए थे बोला, तब उनका जन्मदिन भी था, और उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा स्पीच दिया बोला हमारे लोगों के लिए, और प्रकृति को बचाना और हमारे हिमालयन को बचाना ऐसा बोला था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए बोल के बोला था। और वो सोनांशु सर जी से मतलब बहुत सारे बातें करके बैठा बोला, और बहुत अच्छा लगा बोला, लगा कि लद्दाख के मतलब लोगों को। माँ ने कहा कि आसपास के लोग ये बात कर रहे हैं बोला कि आज अनशन का लास्ट डे है, उसके बाद सोनांशु सर जी को हॉस्पिटल लेके जाएगा और अच्छे से चेकअप कराएगा, उसके बाद मतलब उनको खाना दिया जाएगा बोला। तो मतलब दोस्तों, ऐसे इतने दिन मतलब भूखा रहने के बाद मतलब आदमी एकदम से नहीं खा सकता है बोला। तो
हाँ धीरे धीरे करके मतलब उनको खाना दिया जाएगा बोला। तो कल के वीडियो में भी उन्होंने कहा था कि हाँ वो अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं, मतलब उसको उनको थोड़ा टाइम और लगेगा। और खाना वो अभी मतलब एकदम सॉलिड नहीं खा रहे हैं, मतलब लिक्विड के फॉर्म में धीरे धीरे खा रहे हैं उन्होंने कहा था। अभी काफ़ी सारे सेलिब्रिटी भी लद्दाख का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, सोनाक्षी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली एक हिंदू के बड़े गुरु ने भी कहा था कि हम सोनाक्षी जी के साथ हैं, हम लद्दाख के लोगों के साथ हैं। तो मतलब अभी मैंने आप लोगों को ये छोटा सा स्टोरी सुनाया, तो उसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सोनमोचू जी ने मतलब हमारे लद्दाख के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए इतना तकलीफ़ उठाया, अनशन किया, भूखा रहा। तो हमारा भी मतलब ये फर्ज बनता है दोस्तों कि हम सोनमोचू जी को सपोर्ट करें, उनके लिए दुआ करें ताकि वो स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। अगर मतलब सोनमोचू जी स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमारे लद्दाख के लोग भी मतलब सेफ रहेंगे, लद्दाख भी सेफ रहेगा। अगर सोनमोचू जी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो लद्दाख को कौन बचाएगा दोस्तों। तो अभी सोनमोचू सर जी ने कहा कि वो 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च करेंगे चांथंग की तरफ, तो इसलिए अभी मैं अपने मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, सेफ लद्दाख के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए और सोनमोचू सर के लिए भी। और ये पश्मीना मार्च है वो सक्सेसफुली हो जाए, इसलिए मैं अपने मंदिर में पूजा करने जा रहा हूँ, जो मेरा काम भी है। तो अभी सीधा चलते हैं अपने मंदिर की तरफ।